आज हम लोग किंगडम मोनेरा के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर्स को पढ़ने जा रहे हैं और वो है आर्की बैक्टीरिया। देखिए लास्ट वीडियो के अंदर किंगडम मोनेरा के हम लोगों ने जनरल फीचर्स पढ़े थे और साथ के साथ मैंने कहा था कि ये किंगडम जो मोनेरा है उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स आते हैं जैसे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, वगैरह वगैरह। तो उनमें से आज हम लोग आर्की बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि नेम शो कर रहा है आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ऐसा माना जाता है कि इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर ये सबसे प्राचीनतम ऑर्गेनिजम्स हैं, प्राचीनतम बैक्टीरिया है, मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। सबसे प्राचीनतम जीवाणु यदि कोई है तो वो कौन है? आर्की बैक्टीरिया। ऐसा मानते हैं, इनके ओरिजिन की यदि मैं बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि दे इमर्ज्ड ऑन दिस प्लैनेट अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। आज से 3.5 अरब साल पहले ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये इमर्ज हुए थे, जिससे कि प्रूव होता है कि बहुत बहुत ज्यादा क्या है, प्रिमिटिव है। और इसीलिए तो इनको हम ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, क्योंकि पहले भी हजारों लाखों साल अरबों साल पहले ओरिजिनेट हुए थे और अभी तक भी विद्यमान है। तो इनको हम क्या मानते हैं? ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल मानते हैं, मतलब प्राचीनतम जीवित जीवाश्म मानते हैं जो आज तक भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिंगल सेल्ड होते हैं ये, और ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो अविकल्पी अवायवीय जीव हैं। अविकल्पी अवायवीय जीव हैं, मतलब ऑब्लिगेट एनेरोब्स हैं। ये जितने भी हैं वो कैसे हैं? एनेरोबिक होते हैं, ठीक है। अविकल्पी अवायवीय जीव हैं ये, और इनकी सेल वॉल जो होती है वो दूसरे बैक्टीरिया की तरह सेल वॉल, जैसे यू बैक्टीरिया की मैं बात करूं तो वहां पर सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात है कि आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती है। तो फिर प्रश्न उठता है कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो इनमें जो सेल वॉल बनी होती है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है। लेकिन ध्यान रहे, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। इनकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती है, इनकी सेल वॉल जटिल पॉलीसेकेराइड और जटिल पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है। और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत विशेष है। सेल मेम्ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत जटिल होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ ब्रांच्ड लिपिड चेन्स। एंड इट इज मेड अप ऑफ ब्रांच्ड लिपिड चेन्स, याद रखना। ये क्वेश्चन यहां से नीट के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था वो मैं अभी बताता हूं। आप सब जानते हैं कि आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम पीएच, जहां दूसरे कोई जीव नहीं रह सकते, एक्सट्रीम पीएच में, एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन के अंदर, मतलब एक्सट्रीम पीएच, एसिडिक पीएच में भी ये जिंदा रह जाते हैं, 1.5 या 2 पीएच तक भी जिंदा रह जाते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर 80 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस तक भी जिंदा रह जाते हैं। एक्सट्रीम लवणता में भी ये वृद्धि करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। जानते हैं ये सब क्यों हो पाया? उसका कारण है कि एक प्रश्न मन में आता है कि आर्की बैक्टीरिया में आखिर ऐसा क्या है कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस और एक्सट्रीम पीएच कंडीशंस, राइट, और एक्सट्रीम सैलिनिटी कंडीशंस के अंदर भी ये अपने आप को सर्वाइव रख पाते हैं। तो उसका कारण है कि इनकी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाली ब्रांच्ड चेन लिपिड्स, इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं, इनके कारण ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, याद रखना, संरचनात्मक दृष्टि से देखें, स्ट्रक्चरली यदि हम देखें, संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो ये प्रोकैरियोट से क्या रखते हैं? समानता रखते हैं। कौन? आर्की बैक्टीरिया। लेकिन यदि मैं उपापचय की दृष्टि से देखूं, राइट, ऑन द बिहाफ ऑफ मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिकली यदि मैं देखूं तो इनमें काफी क्या है? भिन्नता है। मतलब संरचनात्मक रूप से तो ये समान है प्रोकैरियोट्स के, लेकिन उपापचय की दृष्टि से मेटाबॉलिकली यदि मैं देखूं तो ये काफी भिन्नता दर्शाते हैं प्रोकैरियोट से, ठीक है। अच्छा, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो निम्न 3 प्रकार के आर्की बैक्टीरिया को मेजरली शामिल किया गया है। मिथेनोजेंस, आर्की बैक्टीरिया में निम्नलिखित कितने प्रकार के बैक्टीरिया शामिल है? 3 प्रकार के, मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। वापिस से बोल रहा हूँ, मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स, है ना।
तीनों को हम लोग डिटेल्स के अंदर पढ़ते हैं। ये देखिए, ये मिथेनोजेंस, दूसरा जो है हेलोफिल्स, और तीसरा जो है वो थर्मो एसिडोफिल्स। एग्जाम्पल्स के साथ में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले मिथेनोजेंस, जब बात चल रही है मिथेनोजेंस की, तो सामने दिख रहा है मिथेनोजेंस, मिथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया। मिथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस कहते हैं, राइट। अब ये मिथेन कहाँ, मिथेनोजेंस कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं वो देखो। ये कन्वर्ट करते हैं CO2 इनटू मिथेन। मार्शी एरिया समझते हो, स्वैम्पी एरियाज, मार्शी एरियाज, या हिंदी में बोलूं तो दलदलीय इलाके जो होते हैं, वहां पर ये बैक्टीरिया जो है वो CO2 को, ये बैक्टीरिया मिथेनोजेंस बैक्टीरिया CO2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मिथेन के अंदर, CH4 के अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल जैसे कि मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस और मिथेनोमाइक्रोबियम जो बैक्टीरियाज होते हैं वो स्वैम्पी एरियाज के अंदर, मार्शी एरियाज के अंदर, दलदलीय इलाकों के अंदर CO2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? CH4 के अंदर, मिथेन के अंदर। तो इन्होंने मिथेन प्रोड्यूस की। इसी तरीके से आप और देखो, दे कन्वर्ट सेल्यूलोज प्रेजेंट इन द काउडंग। काउडंग समझते हो ना, जो गोबर होता है, काउडंग जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जो कैटल्स होते हैं, मवेशी होते हैं, वो किसके ऊपर फीड करते हैं? ग्रासेस के ऊपर। तो ग्रासेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज। तो ये जो काउडंग के अंदर जो सेल्यूलोज होता है ना, दे कन्वर्ट द सेल्यूलोज प्रेजेंट इन द काउडंग इनटू द मिथेन बाय फर्मेंटेशन। किण्वन की क्रिया के दौरान, किण्वन की जब क्रिया होती है उस दौरान ये काउडंग के अंदर, काउडंग या गोबर के अंदर उपस्थित जो सेल्यूलोज होता है उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? सेल्यूलोज को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? मिथेन के अंदर। जैसे कि गोबर गैस प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, गोबर गैस फर्मेंटर के अंदर, गोबर गैस फर्मेंटर के अंदर हम किसकी स्लरी को डालते हैं? जो गोबर होता है, जो काउडंग होता है, उसी की तो स्लरी डालते हैं। तो स्लरी के अंदर क्या है? काउडंग के अंदर क्या है? सेल्यूलोज है। और जो स्लरी में क्या होते हैं, देख, ये जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं वो सेल्यूलोज को मिथेन में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिथेन गैस क्या होगी? प्रोड्यूस होगी, और वो एक नेचुरल गैस की तरह काम करती है, राइट, और यूज में आती है वो। तो मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, मिथेनोमाइक्रोबियम, ये बैक्टीरिया जो मार्शी एरियाज के अंदर थे, वही इस तरीके से सेल्यूलोज को कन्वर्ट कर सकते हैं मिथेन के अंदर। इसी तरीके से एक आर्किबैक्टीरिया की बात करूं मैं, र्यूमेनोकोकस की बात करूं मैं, र्यूमेनोकोकस। र्यूमेनोकोकस क्यों कहा है? आप इतना तो जानते होंगे जो मवेशी होते हैं, गाय भैंस वगैरह, कैटल्स वगैरह होते हैं, काउ बफेलोज वगैरह, तो उनके स्टमक का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं र्यूमेन। आपने सुना होगा कि कैटल्स के आमाशय के स्टमक के चार पार्ट्स होते हैं, र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। तो जो आर्किबैक्टीरियम होते हैं जो कि कैटल्स के आमाशय की, स्टमक के र्यूमेन भाग में मिलते हैं, वहां पर ये जो र्यूमेनोकोकस या जो आर्किबैक्टीरियम्स हैं वो सेल्यूलोज को क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं, राइट। क्या कहा मैंने? फाउंड इन र्यूमेन ऑफ कैटल वेयर इट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ये बैक्टीरिया सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं और फर्मेंटेशन के द्वारा उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? मिथेन के अंदर, राइट। तो याद रखना, कैटल की डाइट में क्या आता है? सेल्यूलोज। कहाँ से आता है? ग्रास के साथ में। तो ये जो आर्किबैक्टीरियम होते हैं ना, जो कैटल्स के र्यूमेन भाग के अंदर, आमाशय के र्यूमेन भाग में पाए जाते हैं, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करके और फर्मेंटेशन के द्वारा, एवं फर्मेंटेशन के द्वारा मिथेन में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर आपने एक चीज देखी होगी कि मिथेनोजेंस जो होते हैं वो मिथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो स्वैम्पी एरियाज की बात हो, या गोबर गैस प्लांट के अंदर की बात हो, या कैटल्स के र्यूमेन के अंदर बात हो, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? मिथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे, हेलोफिल्स। हेलोफिल्स फाउंड इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज। हेलोफिल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरियाज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम हेलोफिल्स कहते हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, राइट, जो आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर उठ के बता रहा हूँ, हेलोफिल्स के चारों ओर, ये जो हेलोफिल्स होते हैं ना, उनके चारों ओर एक पर्पल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक पर्पल मेम्ब्रेन है, और इस पर्पल मेम्ब्रेन में एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट का नाम है बैक्टीरियोरोडॉप्सिन। क्या कहा मैंने? इन हेलोफिल्स के चारों तरफ एक पर्पल मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन के अंदर एक पिगमेंट है बैक्टीरियोरोडॉप्सिन, जिसके कारण ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो पर्पल मेम्ब्रेन है, ये ब्राइट लाइट को क्या कर पाती है? आसानी से अब्सॉर्ब कर पाती है, और ये डायरेक्टली क्या बना लेती है? एटीपी बना लेती है। ये डायरेक्टली क्या बनाती है? एटीपी। क्यों? क्योंकि यू बैक्टीरिया की तरह ये जो हेलोफिल्स होते हैं ये फूड नहीं बना पाते, तो उसकी जगह पर ये डायरेक्टली लाइट को एब्जॉर्ब करके
और डायरेक्टली ही एटीपी का सिंथेसिस कर देते हैं, तो इनकी जो एनर्जी नीड्स होती है वो पूरी हो जाती है। जैसे हेलोकोकस, जैसे हेलोकोकस, हेलोबेसिलस, ये सब क्या है, दैट इज हेलोफिल्स के एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, जैसे कि नीम शुगर, थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिड, तो ये थर्मो एसिडोफिल्स हाई टेम्परेचर कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, और साथ के साथ एसिडिक मीडियम के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि पीएच 2 वगैरह जो होती है उस पीएच में भी, एसिडिक पीएच में भी पाए जाते हैं। तो ये भी एक्सट्रीम कंडीशन ही हुई ना, फाउंड इन हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक मीडियम। और जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि थर्मो एसिडोफिल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स समझते हो, जमीन के नीचे खोलते हुए गर्म पानी के झरने, राइट। जैसे कि इन इंडिया हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स आर फाउंड इन हिमालयन रीजन, आप भारत के अंदर हिमालयन क्षेत्र के अंदर जाएंगे, आप शिमला कुल्लू मनाली वगैरह और उधर की तरफ आप जाएंगे, तो आप देखोगे कि एक तरफ तो बर्फ के पहाड़ है और दूसरी तरफ आप देखोगे तो जमीन के नीचे से खोलता हुआ पानी निकल रहा है। इतना गर्म होता है कि भारत वाले जो है वो कच्चे चावल लेके जाते हैं पोटली में बांध के और अंदर रख लेते हैं, तो 80 डिग्री तापमान के करीब होता है, 100 डिग्री तक चले जाता है वो तापमान, और थोड़ी देर के अंदर चावल जो होते हैं वो पक जाते हैं। तो वो जो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स जो है उसके अंदर जहाँ पर टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पर कोई दूसरा जीव सर्वाइव नहीं कर सकता है, वहाँ पर ये थर्मो एसिडोफिल्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जीवित रहते हैं। तो ये भी एक एक्सट्रीम हार्श कंडीशन है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है थर्मोकोकाई, थर्मोप्लाज्मा, थर्मोकोकाई, थर्मोप्लाज्मा, ये कुछ थर्मो एसिडोफिल्स के एग्जाम्पल है, क्लियर है। तो आज हमने क्या सीखा कि एक प्रिमिटिव बैक्टीरिया की बात की हमने, आर्की बैक्टीरिया, जो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी रह सकते हैं, और ये तीनों मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज के अंदर हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज है, यू बैक्टीरियाज वगैरह, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देखते रहिए, थैंक्स अ लॉट।